नमस्कार दोस्तों, आज मैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ को लेकर के आया हूँ। ये भूगोल का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि प्लेट टेक्टोनिक के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण है तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, क्योंकि इन दोनों अगर सिद्धांतों को मिला दिया जाए तो जो ऑर्फोलॉजी की यानी भू आकृति विज्ञान की अधिकतम जटिल समस्याओं का समाधान हो जाता है और सबका आंसर भी लगभग इन्हीं दो सिद्धांतों से निकलता है। तो आइए अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, एक बात ये कि जब हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, तो मैं परंपरागत बातों को भूल नहीं चर्चा करूंगा यहाँ कि ताप दाब कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, क्या होता है, कैसे होता है, क्योंकि परंपरागत बातें हैं। किसने क्या कहा है, बहुत सारे किस पे मत दिए गए हैं और किस व्यक्ति ने क्या कहा है, ठीक है, उस पर चर्चा न करते हुए जो वैज्ञानिक मत है उसी पर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि इस पर स्वेस ने भी अपना विचार दिया है, टॉली ने भी अपना विचार दिया है, अन्य कई विद्वानों ने अपना, ग्रांट ने भी विचार दिया है, जेफरीज ने भी विचार दिया है, कई विद्वानों ने विचार दिया है। तो उन सब विचारों को छोड़ते हुए हम लोग जो वैज्ञानिक विचारधारा है, जो नवीन जो विचार है, नवीन जो सिद्धांत है, उस पर हम लोग बात करते हैं। तो नवीन सिद्धांत जो है वो भूकंपीय तरंग सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि भूकंपीय तरंग का अध्ययन का आधार जो था, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन जो है 1909 ईस्वी से शुरू हो चुका था। इसका अध्ययन जो था भूकंपीय तरंगों का 1909 ईस्वी से शुरू हो गया था, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में काफ़ी प्रगति हुई और उसमें अति महत्वपूर्ण प्रगति होती है 1971 ईस्वी में, जब हैरिस महोदय ने इसको आधार बना करके पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कई बातों को उद्घाटित करते हैं, हैरिस महोदय 1971 ईस्वी में। तो आइए बात करते हैं कि हैरिस महोदय ने भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को कितने भागों में विभाजित किया है। तो हैरिस महोदय ने भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में विभाजित किया है। पहले को बोलते हैं भूपरपट्टी, दूसरे को बोलते हैं मेंटल, तीसरे को बोलते हैं कोर। जो भूपरपट्टी है उसको हम लोग बोलते हैं क्रस्ट, ये बहुत ही चर्चित शब्द है क्रस्ट, उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल, और कोर को तो कोर है ही, इसको अंग्रेजी हिंदी में दोनों एक ही शब्द यूज करें ज़्यादा अच्छा रहेगा, कोर। तो ये तो 3 भागों में विभाजित किया गया, लेकिन अब थोड़ा सा आंशिक रूप से हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर भूकंपीय तरंगों का क्या प्रभाव पड़ता है, माने कैसे गमन करती है, कैसे उसमें डिविएशन होता है, उसको देखते हैं। ज़्यादा गहराई से नहीं देखेंगे क्योंकि ये हमारा अर्थक्विक का चैप्टर नहीं है, ये हम आंतरिक संरचना के बारे में, इसलिए हम आंशिक की चर्चा उसी करेंगे, लेकिन करना यहाँ जरूरी है। तो आइए दोस्तों उसको हम लोग यहाँ देखते हैं और इसमें जो है हम बातों को देखते हैं स्पष्ट रूप से क्या है कैसे है। तो ये देखिए दोस्तों, एक पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक छोटी सी रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत की गई है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो जितने सारे पार्ट हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है, और ये हमारा हो गया इनर कोर, ये हमारा हो गया आउटर कोर, ये हमारा हो गया लोअर मेंटल, ये हमारा हो गया अपर मेंटल, और ये हो गया क्रस्ट। तो जो हमारा ये क्रस्ट है, इस क्रस्ट में भी 2 भाग होते हैं, एक हम लोग बोलते हैं जो कि किससे बने होते हैं, एक बना होता है हमारा ग्रेनाइट से, ऊपरी भाग जो बना होता है वो किससे बना होता है, ग्रेनाइट से, और नीचे का भाग जो होता है वो बना होता है बेसाल्ट से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेनाइटिक हो जाएगा, ये ग्रेनाइटिक, और ये हमारा हो जाएगा बेसाल्टिक नीचे वाला, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, जब भूकंपीय तरंगों का हम बोल रहे हैं कि उसके आधार पर इसका अध्ययन किया गया है, तो भूकंपीय तरंगे 2 प्रकार की होती है, एक को बोलते हैं प्राइमरी वेव और दूसरे को बोलते हैं सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव। तो प्राइमरी वेव हम जानते हैं कि क्या है, पी ए वेव है, एस वेव है और एल वेव है। बहुत ज़्यादा गहराई में इसकी नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि बुकअप में इसके बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, आप देख लेते हैं। तो पी वेव जो है ये क्या होता है, ये चलती है ठोस में, द्रव में और दोस्तों गैस में, तीनों माध्यम में चलती है। ये जो एस वेव है ये कहाँ चलती है, ये सिर्फ चलती है ठोस में, कहाँ,
सिर्फ ओनली सॉलिड में। और वेल वेव जो है, एल वेव, ये कहाँ चलती है? ये लैंड मास से भी चलता है और वाटर बॉडी में भी, ये दोनों जगह ये मूव करता है। सेकेंडरी वेव जो है बेटा भाई, ये दो प्रकार का होता है। सेकेंडरी वेव जो है दोस्तों दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं PGSG और दूसरे को बोलते हैं P*S*। ठीक है, P* एवं S*। तो PGSG जो है ग्रेनाइट में चलती है और P* जो है वो S* जो चलता है बेसाल्ट में। तो देखिए अब होता क्या है कि भूकंप की कहीं उत्पत्ति अगर हो जाती है, मान लेते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति जो है हो जाती है यहाँ पर क्रस्ट में, मान लेते हैं कि क्रस्ट में यहाँ पर भूकंप की उत्पत्ति हो गई, क्रस्ट और मेंटल के बीच जहाँ भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। तो हमको पता है कि जहाँ उत्पत्ति होती है उसको वो क्या बोलते हैं, फोकस। जहाँ पर ये सबसे पहले पहुँचता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे ऊपर क्या हो जाता है, ये हो जाता है EP सेंटर और ये क्या हो गया, फोकस। तो इस बातों को हमको अभी नहीं देखना है कि फोकस के IP सेंटर को, थोड़ा सा इस चीज़ को हम समझ लेते हैं कि भूकंप की उत्पत्ति हो गई और वहाँ से जो विभिन्न तरह की किरणें जो है, जो तरंगे जो है चलना शुरू कर देती हैं। तो जो तरंगे शुरू कर देती हैं चलने के लिए, तो यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से उत्पन्न हुई और यहाँ से जो तरंग उत्पन्न होती है, जो वेव उत्पन्न होता है, तो जो बेसाल्टिक में जो जाता है, ये मान लेते हैं कि बेसाल्टिक नीचे में था तो बेसाल्टिक में जा रहा है, तो इसे हम लोग बोल देते हैं क्या, P* एवं S*। ये P* हो सकता है या S* हो सकता है, चूँकि ये बेसाल्ट में जा रहा है। इसके ऊपर, चूँकि ऊपर मैंने दिखाया कि ग्रेनाइटिक था, तो अगर यहाँ ग्रेनाइटिक में अगर यहाँ जा रहा है ऊपर की तरफ जा कर कैसे, अगर ऐसे हो गया ये ग्रेनाइटिक मतलब महाद्वीपीय भाग में ये चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ इसको हम लोग बोल देते हैं PGSG, या PG होगा या SG होगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये फोकस से तरंगे जब आगे की तरफ जब मुड़ती है, तो चट्टानों के प्रकृति के अनुसार इनका अपना नेचर निर्धारित होता है PS का, तो P जो है आगे की तरफ ये क्या करता है कि आगे की तरफ ये पढ़ना शुरू कर देता है, ठीक है, आगे की तरफ ये बढ़ता है अपना और ये इधर की तरफ ये ऐसे आता है और ये आगे की तरफ ऐसे निकल जाता है। मतलब कि ये पृथ्वी के एक भाग से दूसरे भाग तक ये गमन कर लेता है, ठीक है दोस्तों। अगर ये उत्पत्ति होती है कहाँ, ऊपरी जिस दिशा में, उसके जस्ट अपोजिट साइड में भी पी वेव गमन कर लेता है, तो ये क्या हो जाएगा, पी वेव, ये हो गया हमारा पी वेव, ठीक है दोस्तों। लेकिन जब एक और तरंग पर जहाँ की चट्टानों की प्रकृति के अनुसार अपने ग्रहण करते हुए वो आता है और ये बाह्य कोर से ही मुड़ जाता है, जो हमारा आउटर कोर है यहीं से क्या करता है, डिविएट कर जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो डिविएशन यहाँ पे होता है, मतलब कि आंतरिक भाग में प्रवेश नहीं करता है, तो आंतरिक भाग में एस वेव प्रवेश नहीं करता है और एस वेव के प्रकृति के बारे में हम लोग क्या देख चुके हैं कि ये सिर्फ ठोस में चलता है। तो इसका मतलब कि जब इसके कोर में नहीं जा रहा है, इसका मतलब कि कोर क्या है, ठोस नहीं है, द्रव या गैस के रूप में है, ठीक है दोस्तों, ये तो क्लियर हो गया। और एल वेव जो था वो तो सतह पर चलता है, द्रव और स्थल और जल दोनों में चल सकता है, लेकिन कहाँ चलता है, वो सतह पर चलता है। ये हमारा हो गया एल वेव, ये कौन सा एल हो गया जो सतह पर चलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल वेव। ये तो क्लियर हो गया कि हमारा प्राइमरी वेव कहाँ चला गया, पी वेव कहाँ जा रहा है, आ गया यहाँ पर, और एस वेव जो है आ गया यहाँ पर, एस वेव है, ये क्या हो गया, एस वेव, ये कौन सा है, एस वेव है। एस वेव के यहाँ मुड़ना, कोर के बाह्य भाग से विचलित होना, इसका मतलब कि कोर द्रव में है या गैस में है। और पी जब अंदर की तरफ जाता है तो इसकी गति घटती है फिर बढ़ती है, तो घटती है फिर बढ़ती है, इसका मतलब कि द्रव या गैस में है, द्रव में है या फिर गैस में है, ठीक है। तो ये था पी वेव, एस वेव और एल वेव का मूवमेंट, ठीक है। तो सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा, आगे हम लोग देखेंगे जब पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग की जब बात करेंगे गति के बारे में,
तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में स्पष्ट रूपरेखा उभर के हमारे सामने आ जाएगी। ये सिर्फ हमने बताया है कि कैसे अंदर की तरफ प्रवेश करता है, करती है तरंगे, तो क्या उनका दिशा होता है, कब किसका विचलन होता है, किसका विचलन नहीं होता और कहाँ गमन करती है। ठीक है दोस्तों, अब लो वेलोसिटी जोन किसे कहते हैं, शैडो जोन क्या है, ठीक है, ये सब अभी हमें की जरूरत नहीं है, वो हम लोग सेक्शन वो है अर्थक्विक का है, वहाँ हम लोग इसको देखेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि आखिर कि किस प्रकार से अर्थक्रस्ट या मेंटल या कोर की स्थिति रहती है। तो आइए दोस्तों अब उसको देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है ये हमारा क्रस्ट है, 0 से 33 किलोमीटर के बीच, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये 0 से 33 किलोमीटर के बीच है, तो ये हमारा हो गया क्रस्ट, CRUST क्रस्ट, ये 0 से 33 किलोमीटर के बीच होता है। इस क्रस्ट के भी दो भाग होते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल, और दूसरे को बोलते हैं ओशियनिक क्रस्ट, ओशियनिक क्रस्ट। तो ये हमारा ये जो दिखाया गया है ये इस प्रकार से ये हमारा है ओशनिक क्रस्ट है, और इधर में ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो ओशनिक क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के बीच एक जो ये एक डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है, असमानता पाई जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। याद रखेंगे इसको क्या बोलते हैं कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। अब ये देखिए दोस्तों, क्रस्ट के नीचे ये जो है हमारा 33 किलोमीटर से लेकर के 29 किलोमीटर के बीच, ये जो 33 किलोमीटर से लेकर के 29 किलोमीटर के बीच जो पृथ्वी आंतरिक संरचना का भाग है उसे हम लोग बोलते हैं मेंटल। ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ये भाग जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंटल, मेंटल। ठीक है दोस्तों, इस मेंटल के जो है के भी दो भाग हैं, ऊपर वाला भाग है उसको हम लोग बोलते हैं अपर मेंटल, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको यहाँ क्या बोल देते हैं अपर मेंटल, अपर मेंटल। ये किसकी इसकी कितनी गहराई है, 33 किलोमीटर से लेकर के 750 किलोमीटर के बीच, देखिए किलोमीटर सिंपल दे दिया गया है, ठीक है। तो 33 किलोमीटर से लेकर के 750 किलोमीटर के बीच ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं अपर मेंटल, 750 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर के बीच ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर मेंटल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं लोअर मेंटल, मेंटल नहीं मेंटल, लोअर मेंटल। आप ये देखिए कि 2900 किलोमीटर से लेकर के और ये देख रहे हैं दोस्तों 2900 किलोमीटर से लेकर के और 6371 किलोमीटर के बीच ये जो इलाका है, मतलब जो भाग इलाका नहीं जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं कोर, ठीक है दोस्तों। और इस कोर के भी दो भाग हैं, ऊपर वाले को जो भाग उसको हम लोग ये जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आउटर कोर, आउटर कोर, और ये जो भाग है इसको हम लोग बोलते हैं इनर कोर, इनर कोर, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये जो पृथ्वी के आंतरिक भाग है उसमें ऐसा नहीं है कि टॉप से लेकर के माने ऊपरी भाग से लेकर के यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके नेचर में एक रूपता है, ऐसा है नहीं। इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे अंदर की तरफ जैसे जाते हैं या अंदर से ऊपर की तरफ आते हैं एक नेचर अपना छोड़ता है, दूसरा क्वालिटी ग्रहण करता है। तो जो बीच में एक जो ट्रांजिशन जोन होता है जहाँ पर कि एक का नेचर खत्म होता है दूसरे का नेचर ग्रहण करता है, वहाँ पर एक डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है, असंबद्धता पाया जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में असंबद्धता और अंग्रेजी में डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, ठीक है। वो डिसकंटिन्यू कर जाता है, ठीक है, मतलब कि क्या एक गुण डिसकंटिन्यू कर गया दूसरा गुण आने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने वही बताया था कि यहाँ पे क्या है कॉनराड डिसकंटिन्यूटी है। कॉनराड मतलब क्या है कि यहाँ पर सागरीय भाग का शुरुआत हो रहा है, महाद्वीपीय भाग आ रहा है, या महाद्वीपीय भाग खत्म हो रहा है, सागरीय भाग का आगमन हो रहा है, मतलब कि गुण का आगमन हो रहा है। सागरीय तो पता है कि बेसाल्टिक होगा और महाद्वीपीय तो पता है कि वो ग्रेनाइटिक ही होगा। अब आते हैं ये देखते हैं दोस्तों, अपर क्रस्ट अपर मेंटल जो है, अपर मेंटल, अपर मेंटल में जब बात करते हैं तो अपर मेंटल में देखिए 100 किलोमीटर से लेकर के, मतलब कि 0 से लेकर के यहाँ से लेकर के 100 किलोमीटर तक, अगर 100 किलोमीटर मान लें गहराई, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं लिथोस्फीयर। एक शब्द बार बार सुनते होंगे लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर में क्रस्ट तो है ही,
लिथोस्फीयर में है। लिथोस्फीयर में क्रस्ट तो है ही, लेकिन वो जो कहाँ तक है वो 100 किलोमीटर गहराई तक है। इसका मतलब कि मेंटल का भी कुछ हिस्से इस भाग इसमें आएगा, क्योंकि क्रस्ट की तो गहराई 35 या 33 किलोमीटर है, लेकिन इस लिथोस्फीयर का मैं 100 किलोमीटर मान रहा हूँ। इसका मतलब कि मेंटल का भी कुछ हिस्सा है लिथोस्फीयर में, ठीक है। आप देखिए, अगर यहाँ हम 100 किलोमीटर मान लेते हैं कि गहराई 100 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक ये भाग, यहाँ से ये 100 से 200 किलोमीटर ये जो भाग होता है, यही हमारा हो जाता है एस्थेनोस्फीयर। इसको ध्यान रखेंगे, 100 से लेकर के 200 किलोमीटर के बीच जो है, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर, ठीक है दोस्तों। ये हो गया क्लियर। अब हम आते हैं डिस्कंटिन्यूटी पर, जो हाँ हम बात छोड़े थे। तो ये हमारा हो गया कौन सा, कॉन्डोर डिस्कंटिन्यूटी। अब देखिए, क्रस्ट ये हो गया और यहाँ से मेंटल की शुरुआत हो रही है, यहीं शुरू हो रही है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच जो असंबद्धता पाई जाती है, डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी शब्द मैंने यहीं यूज कर दिया, उसको क्या बोल देते हैं, मोहोरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। अब ये देखिए, मेंटल और कोर, ऊपर में इधर मेंटल है, इधर में कोर है, तो मेंटल और कोर के बीच जो डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है, उसको बोलते हैं गुटनबर्ग वैचार्ट डिस्कंटिन्यूटी, गुटनबर्ग वैचार्ट डिस्कंटिन्यूटी, ठीक है। ये मेंटल और कोर के बीच है, ठीक है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लोअर मेंटल एवं अपर एवं आउटर कोर के बीच है, या मेंटल और कोर के बीच है, ठीक है। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच, या क्रस्ट एवं अपर मेंटल के बीच डिस्कंटिन्यूटी है, उसको मोहोरोविसिक कहते हैं। मेंटल और कोर के बीच जो डिस्कंटिन्यूटी है, उसको हम लोग गुटेनबर्ग वाइचार्ट डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो लोअर मेंटल एवं आउटर कोर के बीच जो डिस्कंटिन्यूटी, उसको हम लोग गुटेनबर्ग वाइचार्ट कहते हैं। इसके अलावा अन डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है, जैसे कि अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच, यहाँ पे जो डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रेपिटी डिस्कंटिन्यूटी, रेपिटी डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। और आउटर कोर एवं लोअर कोर के बीच जो डिस्कंटिन्यूटी पाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं लेहमन डिसकंटिन्यूटी। तो ये चीज़ें जो हैं पृथ्वी कांतिक संरचना के बारे में कुछ एरिया हैं जिसका के नाम दिया गया है, जो कि आंतरिक संरचना, बार बार इस शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इसको समझने की जरूरत है, याद रखने की जरूरत है, इसको बार बार बना लेंगे तो चीज़ें याद हो जाएंगे। ये डिस्कंटिन्यूटी जो है, जिस वैज्ञानिक ने खोजा था, उसी के नाम पर डिस्कंटिन्यूटी का नाम पड़ गया है। तो हम लोगों ने भूकंप का कैसे, तरंगों कैसे गमन होता आंतरिक भाग में, उसको देख लिया। पृथ्वी के आंतरिक भाग, जो मोटे तौर पर जो भाग है, उसके बारे में देख लिया। संरचना के बारे में क्या क्या नाम है, अब विभिन्न संरचनाओं के गुण किस प्रकार से वैरी करते हैं, अब उसको हम लोग आगे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रस्ट के बारे में। तो क्रस्ट के बारे में बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि क्रस्ट को दो भागों में विभाजित किया गया है, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। तो महाद्वीपीय क्रस्ट की जो महाद्वीपीय क्रस्ट का जो घनत्व है, वो 2.65 है, जबकि महासागरीय घनत्व का जो घनत्व है 2.69 है। महाद्वीपीय जो महाद्वीपों की जो चट्टान, वो क्या है, वो ग्रेनाइटिक है, जबकि महासागरों की चट्टान जो है, वो क्या है, बेसाल्टिक है। महाद्वीपों में, महाद्वीपीय भाग में जो तरंग की गति है, वो 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड है, जबकि महासागरीय में जो गति है, वो 7.9 माने 8 से लेकर के 8.1 किलोमीटर के बीच है। जहाँ तक मोटाई की बात है, तो महाद्वीपीय प्लेटों की मोटाई जो है 33 किलोमीटर से लेकर के 40 किलोमीटर के बीच है, जबकि महासागरीय प्लेट की मोटाई जो है वो 5 किलोमीटर के बीच है। जिन भाग में महाद्वीपों की ऊंचाई ज़्यादा है, वहाँ पे ये गहराई जो है महाद्वीपों की, वो अधिक भी हो सकती है, और ये 50 से 100 किलोमीटर तक पहुँच सकता है, ठीक है दोस्तों। जहाँ पे मोटाई ज़्यादा होगी महाद्वीपों के ऊपरी भाग में, वो गहराई उसके स्वाभाविक रूप से अधिक हो जाएगी, आइसोस्टेसिस एक सिद्धांत है उसके अनुसार। और महासागरों कितनी है, 5 किलोमीटर है। तो ये था भूकंपीय तरंगों के अध्ययन के आधार पर, ठीक है, पृथ्वी के जो ऊपरी भाग है क्रस्ट, उसके बारे में हैरिस कोहेन ने कुछ प्रकाश डाला था। अब हम लोग आते हैं मेंटल पर। तो दोस्तों, मेंटल को भी जो है दो भागों में बांटा गया है, लोअर मेंटल एवं अपर मेंटल। तो देखिए दोस्तों, लोअर मेंटल में 33 किलोमीटर से लेकर 750 किलोमीटर तक जो है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोअर मेंटल कहते हैं।
अब इसमें जो है 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक की जो भाग होता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, लिथोस्फेयर। क्या बोल देते हैं? लिथोस्फेयर। और 100 से 200 किलोमीटर जो भाग होता है उसको हम लोग बोल देते हैं एस्थेनोस्फेयर। इसे एस्थेनोस्फेयर में जो है संवहनीय धाराएं उत्पन्न होती है, ठीक है। और ये संवहनीय धारा उत्पन्न होती है क्योंकि कहीं पर भी धारा होने के लिए, संवहनीय धारा होने के लिए वहाँ पर लिक्विड का होना जरूरी है, गैस हो तभी हो सकता है। तो लिक्विड के रूप में तभी तो यहाँ संवहनीय धाराएं उत्पन्न होगी। और संवहनीय धारा यहाँ उत्पन्न होती है तो ये चूँकि क्योंकि यहाँ पर लिक्विड है, और लिक्विड है तो अचानक से यहाँ पर गति जो होती है तरंग की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 7.8 किलोमीटर प्रति सेकेंड ही है, अचानक गति कम हो जाती है। इसी कारण इस जोन को लो वेलोसिटी जोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लो वेलोसिटी जोन। और यहाँ पर एस्थेनोस्फीयर में संवहन तरंग क्यों उत्पन्न होती है, इसके पीछे कारण है। क्या कारण है? कारण यह है कि यहाँ पर सिलिकेट एवं आयरन आपस में अभिक्रिया करते हैं। कौन कौन से? सिलिकेट एवं आयरन, सिलिकेट प्लस आयरन। आयरन आपस में क्या करते हैं, ये आयरन आपस में क्या करते हैं, ये आपस में अभिक्रिया करते हैं। जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पर संवहनीय धाराएं उत्पन्न होने लगती हैं, ठीक है दोस्तों। और डेंसिटी यहाँ कितना होता है? 3.75 से 3.99, ठीक है। तो कुछ फैक्ट है जिसको कि जानना ये जरूरी है, आपके आंसर को काफ़ी रिच कर देगा, ठीक है। तो एस्थेनोस्फीयर में संवहनीय धारा की उत्पत्ति के कारण क्या कारण है? सिलिकेट एवं आयरन, सिलिकेट एवं आयरन का आपस में अभिक्रिया, ठीक है। अब आते हैं लोअर मेंटल पर। जब लोअर मेंटल की बात करते हैं तो लोअर मेंटल क्या है, 750 से लेकर के 2900 किलोमीटर के बीच क्या है, वो लोअर मेंटल है। और लोअर मेंटल की डेंसिटी कितनी है? 4.38 से 5.56 है। और जब इसकी डेंसिटी बढ़ जाता है तो क्या वेलोसिटी भी अचानक से यहाँ बढ़ जाता है, 13.6 से 13.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाता है, ठीक है दोस्तों। और पूरे मेंटल में जो है मैग्नीशियम, सिलिकेट, लोहा जैसे भारी खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। और मेंटल में ही जो है डोनाइट, पेरिडोटाइट, इक्लोजाइट जैसी चट्टानें मिलती हैं। इसको ध्यान रखेंगे कि पूरे मेंटल में जो है, ठीक है, ये चट्टानें पाई जाती हैं, डोनाइट, इक्लोजाइट, डोनाइट, इक्लोजाइट, पेरिडोटाइट, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, पेरिडोटाइट, ठीक है दोस्तों। ये हो गया मेंटल। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है हमारा कोर। तो कोर भी दो भाग में है, इनर कोर और आउटर कोर। तो इनर कोर का डेंसिटी है 12.76 से लेकर के 13.08, और आउटर कोर का है 9.09 से 12.16। जहाँ तक वेलोसिटी की बात है तो चूँकि जब डेंसिटी यहाँ इसका बढ़ जा रहा है तो वेलोसिटी भी स्वाभाविक रूप से बढ़ जाएगा। तो वेलोसिटी इसका है 11.23 किलोमीटर प्रति सेकेंड, जबकि आउटर कोर का डेंसिटी कम है तो वेलोसिटी कितना है? 10.31 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसके अलावा जो है, अगर हम बात करें कोर के बारे में, तो बाह्य कोर में लोहा, ऑक्सीजन, निकल, सल्फर, सिलिकेट का मिश्रण है बाह्य कोर में। जबकि आंतरिक कोर की बात करते हैं तो आंतरिक जो कोर जो है पूर्ण रूप से किसका बना हुआ है? लोहा का बना हुआ है। ये पूर्णतया जो है फूली जो है, फूली ये आयरन का बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। फूली जो है आयरन का बना हुआ है, ठीक है। और इसमें जो है लोहा के अलावा कई तत्व भी हैं, ठीक है, जिसमें बात किया कि लोहा, ऑक्सीजन, निकेल, सल्फर, सिलिकेट आदि है। अब बाह्य कोर में लोहे के साथ साथ अन्य खनिज उपलब्ध हैं और आंतरिक भाग में सिर्फ लोहा है, तो क्या करता है कि जब पृथ्वी जब घूमती है तो उसमें क्या होता है कि चक्रण होता है। और चक्रण होता है इसी वजह से जो आंतरिक भाग है वो डायनेमो की भांति काम करने लगता है, और जब डायनेमो की भांति काम करने लगता है तो उसे विद्युत धाराएं उत्पन्न होती है, और विद्युत धाराएं उत्पन्न होती है तो कोर जो है एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह कार्य करता है। कोर किसकी तरह काम करता है? एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह करता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव क्या होता है? बाह्य वायुमंडल तक रहता है। इस मैग्नेटिक फील्ड का प्रभाव जो है बाह्य वायुमंडल तक होता है। वही इसी मैग्नेटिक फील्ड का कारण है कि सोलर फिल्म जब आता है और वो मैग्नेटिक फील्ड से टकराता है तो किस प्रकार से मौसमी घटनाएं, किस प्रकार से जो है स्पेस में घटनाएं घटती हैं, ये हम लोग जानते हैं, जो कि आगे इसे चर्चा करेंगे डिटेल में। तो ये था हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना।
मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा दोस्तों, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक था और कि किस प्रकार से जो हमारा कोर जो है वो डायनेमिक की भांति काम करता है, ये इंटरेस्टिंग है। तो थैंक यू दोस्तों।